गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. सो हम जो टॉपिक कर रहे थे हम उसी को कंटिन्यू करेंगे. एंड द टॉपिक वॉज इक्विपमेंट एंड वेपन्स यूज बाय आर आर्म फोर्सेस. जो हमारी आर्म फोर्सेज हैं तीनों ही, वो कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज करती है, कौन कौन से वेपन्स यूज करती हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो उनको हेल्प करती हैं ड्यूरिंग वॉर टाइम एंड पीस टाइम. तो हम उन सब चीजों को स्टडी कर रहे हैं. टू लेक्चर्स ऑलरेडी इस टॉपिक के हो चुके हैं. आई होप आज ये लेक्चर फिनिश हो जाए, आज इसी लेक्चर में टॉपिक फिनिश हो जाए तो थोड़ा सा स्पीड रखिएगा. ओके, सो नवजोत स्टार्ट रीडिंग दिस स्लाइड थोड़ा सा फास्ट. ओके, द ट्रूप्स ड्यूरिंग वॉर रिक्वायर सिक्योर कम्युनिकेशन टू पास एंड रिसीव सेंटेंस इंफॉर्मेशन. These are then used by commanders at all levels to plan and execute the various stage of war. The corps of signals is the backbone of army communication setup. They handle military communication, operation and maintain army wide area network, which is the army owned net internet. They protect against cyber threats from anti-national elements. They also carry out electronic warfare using technology and equipment development by Defense Research and Development Organization, DRDO. Basically, their role is to ensure communication which enable commanders to gain information from the forward location in war, issue instruction and order lower to commanders and forward troops. Progress of the battle is also relayed to the higher commanders. Okay, Navjot, अब जो मैंने underline किया उससे आप थोड़ा सा explain कर सकोगे, try करोगे? जैसे ये क्या होता है सिग्नल्स. बेसिकली जब कोई भी वॉर हो रही है, कोई भी चीज है, तो हम सिग्नल्स में बात करते हैं. ये सिग्नल्स जो होते हैं बच्चा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अब आज के टाइम में जो सिग्नल्स होते हैं वो नवजोत को क्या होंगे, ट्राई करो. नो मैम, नहीं करना. तेजस, वुड यू लाइक टू ट्राई? नो मैम. नो रोहित? यस मैम. मैम जो जब मैम जो सेना होती है, मैम ट्रूप्स होती है, तो मैम वार के टाइम में मैम वो अपने जो भी बातें हैं और इन्फॉर्मेशन है, मैम उसको बिल्कुल सिक्योर कम्युनिकेशन करने के लिए थ्रू वो क्या करते हैं, उसको पास करते हैं. अब सिग्नल्स क्या बेटा, आर्मी कम्युनिकेशन का तो मेन जो है, एक कहते हैं ना, बैकबोन है आर्मी कम्युनिकेशन. मैम किस तरीके का सिग्नल? सिग्नल लाइक अभी कम्युनिकेशन से रिलेटेड किसी भी तरीके का. आप कोई भी फोन यूज कर रहे हो या कोई भी और डिवाइस यूज करो, लाइक उनके पास होता है, आपने देखा होगा ना, अभी मूवी में भी दिखाया था आपके, शेरशाह मूवी में भी उनके पास कुछ मतलब फोन जैसा कुछ होता है जिससे वो लोग बात करते हैं. ऑल्सो इनको ये नेम भी इसलिए दिए जाते हैं, कोड वर्ड्स इनको दिए जाते हैं, बिकॉज हमारे सिग्नल जो होते हैं दूसरी जो एनिमी पार्टी है वो भी उनको कैच कर रही है. सो दिस इज द रीजन की क्या होता है, इसको बहुत प्रोटेक्टेड मतलब रखना होता है. बहुत सी मेजर इन्फॉर्मेशन होती है, लाइक आजकल तो सारा डाटा कंप्यूटर में कलेक्ट है. सो उसको भी बचा, हमें जो हमारे साइबर थ्रेट्स हैं उनसे बचाना. ये नहीं इंडिया का जो डाटा है वो लीक हो गया, किसी और कंट्री ने ले लिया. सो इस वजह से ये जो आर्मी वाइड एरिया नेटवर्क AWAN है, जो बच्चा ये क्या करता है, सारे के सारे ये बेसिकली ये जो आर्मी ओन इंटरनेट है. और उसके बच्चे ऐसे बहुत सी और भी डिवाइसेस हैं या और भी प्रोग्राम्स जो क्या करते हैं, आपके जो थ्रेट्स होती है हमारे बेसिकली, कि हमारे जो सिस्टम को थ्रेट्स होती है उनको क्या करते हैं, उनको स्टॉप करते हैं और हमारे सिस्टम को सिक्योर करते हैं. ऑल्सो जो हमारे जो सोल्जर्स हैं उनको प्रोटेक्टेड सिग्नल्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं. ओके क्लास? ओके मैम. ठीक है, हमें ये टॉपिक बहुत बेसिक लेवल पे करना है, बस आपको पता चल जाएगी कौन कौन सी डिवाइसेज यूज होती है. उसके बाद एक भी लास्ट में आएगा, एक स्लाइड है उसमें आपके काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें आपके बहुत सी चीजें आ जाएंगी, कौन कौन से यूज में आ जाता है, कौन कौन से डिवाइसेस हैं. लाइक आपके तेजस के बारे में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, विक्रमादित्य के बारे में बहुत बार पूछा जाता है, तो ये अब चीजें क्या है, तो ये आपको पता पड़ जाएगा.
नहीं टुडे इज नॉट टेस्ट, 19th मैंने आपको मेंशन किया है यास्मीन, 19th को है, ठीक है, कल है आपका टेस्ट। चलो ठीक है बच्चे, चलो नेक्स्ट आ गया आपका शिप एंड देयर वेपन सिस्टम इन द इंडियन नेवी। हु इज गोइंग टू एक्सप्लेन? अर्पिता यू आर अटेंडिंग द क्लास। हाँ जी अर्पिता, वेयर वर यू? यस मैम। कहाँ थे? यू आर मिसिंग इन द लास्ट टू क्लासेस। मैम आई वाज इन हॉलिडे, आई टोल्ड तेजस्वी मैम। ओके चलो ठीक है, नाउ रीड द स्लाइड क्विकली। शिप्स एंड देयर वेपन सिस्टम इन इंडियन नेवी। The history of naval might of India dates back to the Chola Empire of South India, who were at the height of their glory from the 10th to the 12th century AD. Today, the major role of the navy involves conduct to active operations during war and undertake humanitarian assistance and disaster relief missions during peace. India plan 7,516 kilometers. The Indian Navy safeguards and ensures security of the sea lanes of communication, thus support the trade. 95% of total trade that is transported by sea. They keep our seas and oceans safe from pirates. Navy is effectively used to transport troops. Five power of logistics to deal with situation in neighboring countries, as was done in Maldives in 1988, the different kinds of naval ships are highlighted as under. ठीक है बच्चा, आपको पता है ये बेसिकली जो आपके, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि इंडिया में जो है कोस्ट लाइन, हमने जब इंडिया साइज एंड लोकेशन करा था, आई टोल्ड यू कि इंडिया के पास कोस्ट लाइन बहुत ज्यादा बड़ी कोस्ट लाइन है। सो दिस इज द रीजन कि हमारे ट्रेडिंग में हम क्या करते हैं, लैंड एरिया भी यूज करते हैं, कोस्ट लाइन भी यूज करते हैं। इन दैट सेम वे अब जब हम बात करते हैं ships जो है पता बहुत इंपॉर्टेंट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट रहा है फॉर आर्म्ड फोर्सेज ऑल्सो। अब हम अपने क्या करते हैं, यहाँ से हम अपने ट्रूप्स को भी ले जा सकते हैं इसके थ्रू ऑल्सो। बच्चा उनको जो भी फैसिलिटीज चाहिए लाइक खाने पीने की चीजें है या बाकी और कुछ इक्विपमेंट है या फिर कोई और चीज है, उसको इजीली हम क्या करते हैं, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे कैरी कर सकते हैं। तो हमारे जो शिप्स हैं बच्चा वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। चलिए अब ये कौन कौन से हैं, अब जैसे यहाँ पे विक्रमादित्य की बात आ रही है, ये देखिए विक्रमादित्य, आई टोल्ड यू ना कि विक्रमादित्य भी नाम आएगा अभी। सो देखिए अगर क्वेश्चन आता है कि आपका विक्रमादित्य क्या है बच्चा, तो ये क्या है, एक लाइट कैरियर है। ये क्या करता है? यास्मीन रीड द स्लाइड। यस मैम। स्विच ऑन द कैमरास ऑल ऑफ यू, स्विच ऑन द कैमरास। देवांश इसमें आपको जाना है। यस पढ़िए। Has one fleet carrier INS Vikram Aditya. Vikram Aditya and one light carrier INS Virat. An aircraft carrier is basically an air base. In other words, it has warplanes on board that can take off and land while the ship is water. INS Vikram Aditya was bought from Russia and refitted. It can carry up to 34 fixed wing aircrafts and helicopters. The MiG-29K is the main fighter aircraft on board with over 1,600 personnel on board. Vikram Aditya is literally a floating city associated with its large population. Is a mammoth logistics requirement. The ship requires nearly a lakh of eggs, 20,000 liters of milk and 16 tons of rice per month to feed the crew. With her complete stock of provisions, she is capable of sustaining herself at sea for a period of about 45 days. विक्रमादित्य बेसिकली आपका है क्या, दिस इज अ वॉर प्लेन ऑन बोर्ड, ठीक है, एक वॉर प्लेन है बोर्ड के ऊपर। ऑल्सो बच्चा इसको एक फ्लोटिंग सिटी भी कहा जाता है, ठीक है, बिकॉज ये क्या क्या अपने साथ में कैरी कर सकता है। देखो जैसे अभी हमने, हमें उन्होंने बताया है, उन्होंने
ठीक है 1600 तो पर्सनल लेकर के जा सकता है. दिस इज अ फ्लोटिंग सिटी, लाइक आपको एग्स चाहिए, मिल्क चाहिए, टन्स ऑफ राइस चाहिए, ये सारी चीजें ये बच्चा बहुत ही इजीली कैरी कर सकता है. इवन ये नियर अबाउट 45 डेज के लिए जो है कि जितनी भी गुड्स हैं और जितने भी लोग हैं इनको कैरी कर सकता है अपने साथ में. सो दिस इज द रीजन जिसको क्या कहा जाता है, फ्लोटिंग सिटी कहा जाता है. यस रोहित. मैम ये एक शिप है मैम, एयरक्राफ्ट कैरियर. हाँ जी एयरक्राफ्ट कैरियर है बेसिकली. हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि ये बोर्ड के ऊपर बच्चा एक फ्लोटिंग मतलब प्लेन है. ठीक है ये पानी पे भी उतर सकता है. हाँ जी मैम. और जो विक्रम आदित्य है मैम, चंद्रगुप्त सेकंड का मैम निकनेम था. विक्रमादित्य दो थे आपके, चंद्रगुप्त सेकंड पक्का, तो एक दूसरा ये विक्रमादित्य हो गया. ठीक है तो चलो इसको बहुत अच्छे से लर्न कर लेना. ये बेसिकली क्या है, आपका एयरक्राफ्ट कैरियर है. यस अर्पिता मैम इसका कुछ नोट बनाना है. मैंने अंडरलाइन कर लिया, देखो इतना सारा कुछ अंडरलाइन कर लिया. बस आप ये कर लो दिस इज एयरक्राफ्ट कैरियर. ओके जो मैं बता देती हूँ आपको बस वो अंडरलाइन कर लो, बाकी रहने दो. नोट्स तो बेटा सारों के बनने हैं. व्हाट इज दिस एयरक्राफ्ट कैरियर, लाइट कैरियर है ये. ठीक है ये क्या है, ये हमने कहाँ से खरीदा है, हमने रशिया से लिया है. इसको क्या कहा जाता है, फ्लोटिंग सिटी कहा जाता है. ओके और ये नियर अबाउट 45 डेज के लिए सारी चीजों को सिक्योर करके अपने पास में रख सकते हैं. सो दैट इज मोर देन एनफ. नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से. नेक्स्ट इज देवांश कटियार्स टर्न. बच्चा अगर आज ये टॉपिक पूरा नहीं होता है कम्प्लीट, नवजोत व्हाट आर यू डूइंग बेटा. इनकेस बच्चा अगर आज ही टॉपिक फिनिश नहीं होता है तो बाकी का जितना भी रह गया है वो आप लोग प्रिपेयर करके लाओगे. जो भी कुछ रह गया है आगे आप लोग सारा कुछ प्रिपेयर करके लाओगे. ठीक है चलिए नाउ अटैक सबमरीन. देवांश स्विच ऑन द कैमराज ऑल ऑफ यू. कितनी बार, हाउ मेनी टाइम्स शुड आई मेक दिस थिंग क्लियर दैट यू पीपल हैव टू स्विच ऑन द कैमरा. चलिए देवांश स्टार्ट रीडिंग दिस लाइन. अटैक सबमरीन. Attack submarine. An attack submarine is a submarine that can sail underwater and attack and sink other submarines, surface ships and merchant vessels. They could be deployed in groups, alone or assigned to protect other ships like aircraft carriers. India has 15 attack submarines, out of which 14 are conventional and one is nuclear submarine. A nuclear submarine has a nuclear power plant. All naval vessels use diesel engines for propulsion. A nuclear submarine uses nuclear energy for propulsion. Destroyer. Unmute yourself. A destroyer, as the name suggests, it is a fast and versatile long endurance warship. They are employed to escort bigger ships like aircraft carriers and engage in anti-submarine, anti-aircraft and anti-surface warfare. India has 10 destroyers, the Israeli Barak missiles and the indigenous naval version of BrahMos missile are deployed on the destroyers. INS Kochi is a destroyer class ship. बेसिकली अब ये सब कार्य सब क्या कर रही है, अटैक. जो सपोज हमारे जो एनिमी है उनके ऊपर अटैक करेंगे और उनके पास जो इक्विपमेंट है या उनके पास जितने भी इस तरह के सबमरीन्स हैं या उनके जो शिप्स हैं उनको अटैक करने के लिए उनपे क्या किया जाएगा, उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है. ये सारे इसी काम में आएंगे बेसिकली. इसका भी अटैक सबमरीन का इसका भी सेम फंक्शन है. डिस्ट्रॉयर भी जैसे नाम से आपको पता चल रहा है ये भी क्या करेगा, बड़े से बड़े शिप को भी क्या कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है. ओके सो डिस्ट्रॉयर के नाम से आपको पता चल ही रहा है. लाइक हमारे पास इसराइल बैरक मिसाइल है, ये भी बच्चा क्या है, एक तरीके से डिस्ट्रॉयर ही है. वही सामने वाले के जो भी इक्विपमेंट है या जो भी वो यूज कर रहे हैं, शिप्स हैं या उनके टैंक्स हैं, सो ये क्या करेंगे, ये उनको डिस्ट्रॉय करेंगे. चलिए नेक्स्ट इज युवराज भारती. रीड द स्लाइड. व्हाट हैपेंड युवराज, व्हाई आर यू स्माइलिंग. चलो आप रीड करो स्लाइड, तब तक मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ एंड देन वी विल कंटिन्यू द टॉपिक. Start reading the slide. Yes, Arpita, what happened better? Just a minute, Yuvraj. That are smaller. Just a minute. Haan ji, Arpita, bolo. Ye wala naya maine. Chalo, kar lo bada pachta. Ab Gargi ka to stand hi nahi aaya. Chalo, Yuvraj ke baad Gargi ka turn hai. Yuvraj, bacha thoda sa loudly aur words clear pronounce karne ki try karo. Okay? Aisa lagta hai man man mein hi bole ja rahe ho, khud hi khud ko samjhaya ja rahe ho. Tejas ka turn aa chuka, Tejas? I think aa chuka. No? चलो ठीक है, आपका और गाल भी बताने से बाद, ओके
चलो ना, आई एम गोइंग टू चेंज द स्लाइड. रीड द स्लाइड युवराज, रीड द कंप्लीट स्लाइड, तब तक मैं अटेंड करती हूं. एंड एक्सप्लेन भी करते जाओ शॉर्ट, जैसे फ्रिगेट कर दिया, कॉर्बेट कर दिया, एक एक को एक्सप्लेन भी करते जाओ, ट्राई करो, इजी है. फ्रिगेट, ए फ्रिगेट इज अ वारशिप दैट आर स्मॉलर देन डिस्ट्रॉयर्स एंड आर एम्प्लॉयड टू प्रोटेक्ट अदर वारशिप्स एंड मर्चेंट मरीन ships. It can also be used in anti-submarine, anti-aircraft and anti-surface roles. India has 15 frigates. कैसे explain करोगे इसको? No, चलो read कर दो सारा. रोहित explain करेंगे. रोहित, get ready. You are going to explain this slide. Read your Raj. Corvettes are swift, maneuverable, lightly armed warships. They are smaller than a frigate. They are usually considered the smallest vessel to be called a proper warship. India has 22 corvettes. Patrol vessels are employed for border protection roles, including anti-submarine. Okay. And anti-piracy. They also undertake re-secure operations. Amphibians. Warfare ship. Amphibious warfare ships are used to. Amphibious warfare ships are used to deploy ground troops during an amphibious assault. India has 10 amphibious warfare ships. Minesweeper is a small naval designed to clear mines in water and make the waterways safe for shipping and movement of armed warships. चलो ठीक है रोहित, रेडी? पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉइड ऐप.